Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College, Ajmer. हम पढ़ रहे थे Mechanism and Physiology of Gall Formation. इसी में आज हम पढ़ेंगे Anatomy of Galls. Galls are found on all groups of plants. The greatest bulk of galls from India occur on plants of the natural order Leguminosae वो ऑर्डर है जिसमें मैक्सिमम गॉल्स पाए जाते हैं प्लांट्स में. उसके बाद डिक्रीजिंग अबंडेंस के अकॉर्डिंग फिर लेग्यूमिनोसी के बाद मोरेसी के बाद लॉरेसी में, देन कुकुरबिटेसी, कॉम्पोजिटी. तो इस तरह से ये जो हैं ये फैमिलीज़ वो हैं जिनके अंदर गॉल्स पाए जाते हैं प्लांट्स में. अब कॉमन गॉल्स जो होते हैं एनिमल्स और वेजिटेबल पैरासाइट्स, प्लांट पैरासाइट्स एंड एनिमल पैरासाइट्स के द्वारा इंड्यूस होते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड इवन द हायर पैरासिटिक प्लांट्स लाइक विस्कम गिव राइज टू गॉल्स. द गॉल्स इंड्यूस्ड बाय प्लांट पैरासाइट्स आर कॉल्ड फाइटोसिसीडिया. गॉल्स जो कि प्लांट पैरासाइट के द्वारा होते हैं वो कहलाते हैं फाइटोसिसीडिया. वेर इज़ द गॉल्स इंड्यूस्ड बाय एनिमल पैरासाइट्स दे आर कॉल्ड ज़ूसिसीडिया. जो इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं या किसी भी एनिमल के द्वारा होते हैं दे आर नोन एज ज़ूसिसीडिया. द बल्क ऑफ ज़ूसिसीडिया फ्रॉम इंडिया आर इंड्यूस्ड बाय गॉल मिजेस, डिप्टेरा एंड इंडीड नियरली ऑल गॉल्स ऑन मोनोकॉट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय देम इन इंडिया. सारे मोनोकॉट प्लांट्स के ऊपर जो गॉल्स डेवलप होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं गॉल मिजेस या डिप्टेरा इंसेक्ट्स के द्वारा. और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो गॉल इंड्यूस्ड होते हैं दे आर इंड्यूस्ड बाय माइट्स. माइट्स जो होती हैं उनके द्वारा डाइकॉट प्लांट्स में गॉल्स प्रोड्यूस होते हैं. इरियोफाइडी, इकायरिना स्टैंड नेक्स्ट इन द इम्पॉर्टेंस एंड आर ऑलमोस्ट होली कन्फाइंड टू द डाइकॉट. माइट्स जो होती हैं वो डाइकॉट प्लांट्स में गॉल प्रोड्यूस करते हैं. अब गॉल क्या होता है? अ गॉल इज एसेंशियली अ नियोप्लास्टिक ग्रोथ. नियोप्लास्टिक ग्रोथ्स आर पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स रेंजिंग फ्रॉम नियरली नॉर्मल टू द हाईली कॉम्प्लेक्स and abnormal outgrowths characterized by cell growth and cell multiplication. अब galls जो होते हैं they may be of two types, दो तरह से हो सकते हैं, limited neoplasm and unlimited neoplasm. दो तरह के galls होते हैं, limited neoplasm and unlimited neoplasm. The morphogenetic characters of the galled part does not depart widely from that of the normal organ. कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं गॉल्ड पार्ट के, जैसे लीफ पे गॉल है या जिस भी स्टेम पर है, उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज नहीं होता है नॉर्मल कैरेक्टर की तरफ, नॉर्मल प्लांट पार्ट की से. तो दिस इज़ कॉल्ड लिमिटेड नियोप्लाज्म. मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो लिमिटेड रेंज में है. तब एबनॉर्मल ग्रोथ डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम द स्ट्रिक्ट लिमिट इन स्पेस एंड टाइम सेट बाय द बेसिक नेचर ऑफ द प्लांट. मोस्ट ऑफ द गॉल्स आर टिपिकली लिमिटेड नियोप्लाज्म्स. दे डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन बॉडी और ऑर्गेनिज्म एंड कंटिन्यू टू डेवलप ओनली एज लॉन्ग एज दिस ऑर्गेनिज्म और इट्स इमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट विद इन द प्लांट टिश्यू. दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं लिमिटेड नियोप्लाज्म को कि वो जो गॉल है वो उस तरह से डिपेंड करता है कि अगर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है प्लांट में तब तो वो गॉल डेवलप होता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो फॉरेन बॉडी निकल जाएगी उस प्लांट पार्ट में से तो वो गॉल का डेवलपमेंट बंद हो जाएगा. सेकेंड इज़ अनलिमिटेड नियोप्लाज्म. अब इस केस के अंदर, इन दिस केस द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द सेल इज इररिवर्सिबली ऑल्टर्ड, इट्स हेरिडिटरी इज चेंज परमानेंटली. अनलिमिटेड नियोप्लाज्म का मतलब होता है जैसे किसी इंसेक्ट ने कोई गॉल को इंड्यूस करा
किसी प्लांट में, तो उसके अब चाहे वो इंसेक्ट उसके अंदर रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो जो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और गॉल प्रोड्यूस होता रहेगा, दिस इज़ अनलिमिटेड नियोप्लाज्म। और अब जो है, अब उसकी हेरिडिटरी चेंज हो जाएगी, अब जो नए सेल्स बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन में वो भी गॉल्ड होंगे, ये है अनलिमिटेड नियोप्लाज्म। अब गॉल टिश्यूज़ जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, गॉल टिश्यूज़ में भी ऑफ टू टाइप्स, कीटोप्लास्टिक एंड प्रोजोप्लास्टिक। जो गॉल टिश्यू होते हैं दो तरह के होते हैं, कीटोप्लास्टिक एंड प्रोजोप्लास्टिक। कीटोप्लास्टिक गॉल्स वो गॉल टिश्यू होते हैं जिसमें कि द गॉल टिश्यूज शो लिटिल डिफ्रेंसीशन ऑफ सेल्स, द सेल्स आर मोस्टली लार्ज थिन वॉल्ड एंड पैरेन्काइमेटस। वेयर इज इन केस ऑफ प्रोसोप्लास्टिक द टिश्यूज आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, ऑफन बींग कॉम्प्लेक्स देन नॉर्मल टिश्यूज। द मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट गॉल्स अधिकतर प्रोसोप्लास्टिक होते हैं। कीटोप्लास्टिक गॉल्स जो होते हैं दे आर मोर कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। मतलब कीटोप्लास्टिक का मतलब वो होता है कि जो गॉल टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जो सेल का डिफरेंशिएशन कम होता है और सेल्स लार्ज होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। अब इन वेल डिफरेंशिएटेड प्रोजोप्लास्टिक इंसेक्ट गॉल्स थ्री डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ टिश्यूज़ में भी रिकग्नाइज्ड। जो प्रोजोप्लास्टिक गॉल्स होते हैं उनके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट गॉल्स होते हैं वो प्रोजोप्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर तीन तरह के टिश्यूज़ नज़र आते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, मैकेनिक टिश्यू एंड न्यूट्रिटिव टिश्यू। द आउटर टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, वो टिश्यू होता है जिसके अंदर द आउटर टिश्यू ऑफ द गॉल टिश्यू का जो गॉल का जो बाहरी भाग है, इट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स। जो बाहरी भाग है गॉल्स का वो एपिडर्मल सेल्स का बना हुआ होता है। टिश्यू डिराइव फ्रॉम them are definitely protective in nature. Stomata and lenticels are present. सबसे important बात है protective tissue की कि इसके अंदर stomata और lenticels present होते हैं, लेकिन stomata open नहीं होते हैं। Stomata do not open readily as those on normal tissues. Second है mechanic tissue. The mechanic tissue is composed of sclerotic cells. स्क्लेरोटिक सेल्स मतलब स्टोन सेल्स या स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, जो छोटे छोटे राउंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज स्टोन सेल्स और स्क्लेरोटिक सेल्स। तो मैकेनिक टिश्यू इज कम्पोज्ड ऑफ स्क्लेरोटिक सेल्स और हैवीली लिग्निफाइड फाइबर्स दैट सराउंड द डेवलपिंग लार्वा। मतलब जो लार्वा हो है उसके चारों तरफ ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं एंड दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटर प्रेशर। थर्ड इज न्यूट्रिटिव टिश्यूज। द लेयर ऑफ सेल्स सराउंडिंग द लार्वा आर रिच इन न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। अब कुछ गॉल्स ऐसे होते हैं जिनमें एरेशन टिश्यू भी होता है। सम गॉल्स हैव एरेशन टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब उन गॉल्स के अंदर लूजली अरेंज सेल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। Such tissues provide oxygen to the developing larva. In some cases, epidermal cells give rise to undifferentiated, excessively elongated, hairy outgrowths. कई बार epidermal cells में से undifferentiated, hairy outgrowths निकलती हैं which regularly cover the outer surface and even lines the cavity of the galls. This hairy outgrowth is called erinium. ये जो heavy outgrowth, hairy outgrowth है ये erinium कहलाती है। In many galls there is abundance of, कई galls के अंदर high polyploid cells बहुत सारे पाए जाते हैं जिसके अंदर nuclear division होते रहते हैं। So students, this is all about mechanism and physiology of gall formation. Today we finish this topic, mechanism and physiology of gall formation. I had earlier also given you some notes.
यू कैन कंबाइन दोज नोट्स अलॉन्ग विथ दीज टॉपिक्स एंड एड द रीसेंट रेफरेंसेस फ्रॉम दैट नोट्स. ओके, थैंक यू.